आपने कई बार सुना होगा कि आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों के लिए राजनीति में एंट्री करना बेहद आसान होता है, क्योंकि इनके पास पावर होती है, पैसा होता है और होती है हनक, जिसका फायदा इन्हें मिलता है। कई बार सवाल भी उठाए जाते हैं कि ऐसे लोग देश का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं जिनके खुद के खिलाफ ही दसियों केस दर्ज हों। लेकिन इसे लेकर अब एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो ऐसा आदेश पारित करें जिससे पार्टियां इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट ही ना दे पाएं। दोस्तों, हमारे देश में एक नए चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने हाल ही में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जगह ली है। इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। इन्होंने ही जस्टिस बी आर गवई की पीठ के साथ मिलकर ये आदेश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हम निर्वाचन आयोग को निर्देशित करते हैं कि याचिकाकर्ता के 22 जनवरी 2019 के प्रतिवेदन पर 3 महीने के भीतर विचार करें और इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित करें। दोस्तों, को बता दें कि बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इसे लेकर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में निर्वाचन आयोग को ये निर्देश देने का भी अनुरोध किया था कि वो राजनीतिक दलों को गंभीर अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से रोकें। एक आंकड़े के मुताबिक बताया गया है कि मौजूदा दौर में 24% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। बताया जा रहा है कि 2009 में ये अपराध के आंकड़े 15% थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को गंभीरता से ले और क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट में जाने से रोका जा सके, क्योंकि कोई माने या ना माने ये भी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बहरहाल, आपका राजनीति में बढ़ते क्रिमिनल्स की एंट्री पर क्या कहना है, आप नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।